गरियाबंद के आदिवासी ब्लॉक ग्राम भूतबेड़ा में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने किया और इसे आसपास के गांव वालों ने खुशी से एक त्योहार की तरह बड़ी ही धूमधाम से मनाया। दरअसल गरियाबंद के आदिवासी ब्लॉक मैनपुर में साल 2011 से गांव भूतबेड़ा के मिडिल स्कूल को लेकर मांग की जा रही थी, क्योंकि भूतबेड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी में मौजूद मिडिल स्कूल के बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए दूसरे गांव जाना पड़ता था, लेकिन रास्ते में जंगली जानवरों के डर से ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। आपको बता दें कि पिछली सरकार के समय ग्रामीणों ने हाई स्कूल के लिए पदयात्रा तक निकाली थी, जिसके बाद इस सरकार में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने इन ग्रामीणों की मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा और अब जाकर इनकी मांगे पूरी हुई है। हमारे मुखिया भूपेश बघेल से हम लंबे समय से मांग करते आ रहे थे और आज हमारा मांग पूरा हुआ है और हाई स्कूल का यूनियन हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से भूपेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे लंबे समय से राजापड़ा क्षेत्र के भूतबेड़ा वासी लंबे समय से हाई स्कूल की मांग करते आ रहे थे। भूपेश सरकार ने उन वादों को पूरा किया। पिछले वर्ष ही मुलाकात हुई थी क्षेत्रवासी की एक प्रतिनिधिमंडल और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों की मांग को पूरा करूंगा और कल आदेश जारी हुआ है और निश्चित तौर पर क्षेत्रवासी बहुत खुश है। एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर रखा गया था और आज शुभारंभ हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हाई स्कूल खुलने की और साथ ही साथ मैं भूपेश बघेल सरकार को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस नक्सल प्रभावित एरिया की पीड़ा को समझा और सुना और लंबे समय से मांग को उन्होंने पूरा किया है। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वरमय टाइम्स में। मैं थी आपके साथ शिवानी शुक्ला।